एकता जिंदाबाद 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 विविधता एकता जिंदाबाद 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 विविधता एकता जिंदाबाद 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 द्वारा तहसील में तालाबंदी किया गया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कि वो जिलाधिकारी और अधिवक्ताओं के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, अधिवक्ताओं और एसडीएम के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है, उसको जल्द बातचीत के द्वारा हल कर लिया जाएगा। सर, ये मामला लगभग 2.5 महीने से चल रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। तालाबंदी सांकेतिक था, तहसील में तालाबंदी के इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमारा कह रहा है कि 3 महीने से एसडीएम के खिलाफ हम लोग हस्तांतरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जनता का शोषण बढ़ गया है, जनता का उत्पीड़न बढ़ गया है, घुसखोरी एक चरम सीमा पर हो गई है, लेकिन आज तक प्रशासन की नींद खुली नहीं, मजबूर होकर हम लोगों ने तालाबंदी यहाँ का किया है। जो तहसील में तालाबंदी हुई उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? तहसील में निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जहां 500 रुपये में काम होता था, वहां 5000 रुपये देने पर भी काम नहीं हो रहा है, और भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से कहने के बावजूद भी वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार कदाचार हो गया है और इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे सारे अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को हम अब झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। शासन प्रशासन से बार बार कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट प्रशासन को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन शासन में सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, तालाबंदी भी कर चुके हैं, न्यायालयों का बहिष्कार जारी है। ऐसी स्थिति में हम यह शासन प्रशासन से चाहते हैं कि भ्रष्ट एसडीएम को यहाँ से हटा दिया जाए, ताकि न्याय हित में, जनता के हित में अग्रिम कार्रवाई सुचारू रूप से हो सके।